हेलो एवरीवन, वेलकम, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अरुण टेक कैपिटल में। वीवर्स, आज की वीडियो कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री की है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कॉन्ट्रा वाउचर है क्या। कॉन्ट्रा वाउचर एक अकाउंटिंग वाउचर है। इसका प्रयोग बैंक से रिलेटेड एंट्री करने के लिए किया जाता है, जैसे कि बैंक में पैसा जमा करना, बैंक से पैसे निकालना, एक बैंक से दूसरे बैंक को ट्रांसफ़र करना। अर्थात कॉन्ट्रा वाउचर में कैश व बैंक के मध्य हुए लेन देनों को रिकॉर्ड किया जाता है। बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। ट्रांजैक्शन मेनू में कॉन्ट्रा को सिलेक्ट करके ऐड पर क्लिक करने पर ऐड कॉन्ट्रा वाउचर विंडो ओपन होगी। अब आपके सामने ऐड कॉन्ट्रा वाउचर विंडो ओपन है। सीरीज को मैन ही रहने देते हैं। डेट करेंट डेट डालते हैं। हम यहाँ पर पैसे बैंक से निकाल रहे हैं तो डेबिट करेंगे कैश को, क्योंकि कैश हमारे पास में बढ़ेगा। यहाँ पर आप नरेशन लिख सकते हैं, सी गिवर बैंक है तो बैंक का यहाँ पर डालेंगे HDFC बैंक, जो हमारा बैंक है, और 10,000 रुपीज। और लॉन्ग नरेशन में आप डिटेल लिख सकते हैं। उसके बाद में सेव करते हैं। अब आपकी ये एंट्री हो चुकी है। अब इसके बाद में पैसा डी करेंगे। अब यहाँ पर बैंक बढ़ेगा तो डी करेंगे HDFC को। यहाँ पर अमाउंट 50,000, यहाँ पर शॉर्ट नरेशन क्रेडिट करेंगे कैश को, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास कैश कम होगा तो कैश 50,000। लॉन्ग नरेशन में लिख के आप सेव बटन पर क्लिक कीजिए या F2 को प्रेस कीजिए, आपका ये वाउचर सेव हो जाएगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट वाउचर भरते हैं डी, डेबिट करेंगे। ये ट्रांसफर का है, बैंक ट्रांसफर, तो जिस बैंक जो बैंक बढ़ेगा उस बैंक का पहले आएगा। डी में डेबिट पंजाब नेशनल बैंक। अब कितने का ट्रांसफर है, 20,000। यहाँ पर आप नरेशन लिख सकते हैं, शॉर्ट नरेशन के लिए ये है सी क्रेडिट। अब गिवर हमारा HDFC बैंक है, HDFC बैंक को लिखा और 20,000। लॉन्ग नरेशन आफ्टर दैट सेव करेंगे, सेव को क्लिक करें या F2 को प्रेस करें। अब ट्रांसफर रिसीव करते हैं, कोई दूसरा बैंक हमें दूसरे बैंक से आता है तो हम, अब मेरा बैंक बढ़ेगा HDFC बैंक, तो डी HDFC बैंक। कितने का ट्रांसफर आया है, 2,000। कहाँ से किससे किया है, पंजाब नेशनल बैंक से 2,000। आफ्टर दैट सेव। इस तरह से आपका कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री हो चुकी है।
कैश डिपॉजिट करना, कैश विड्रॉल करना,